नमस्कार, स्वागत है फिर एक बार भारत सच की आवाज और लाइव आप तक। आज हम पहुंचे हैं गृह जनपद गोरखपुर में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र कुमार, जिनका एक मामला है, बहुत शर्मसार करने वाली मामला है और घटे की बहुत ही दर्दनीय घटना है कि वाइफ 7 दिन पहले कहीं भाग गई हैं। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है मामला, और 4 बच्चे हैं इनके, और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है सच्चाई और क्या है मामला। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हमारे क्या है मामला और कब ये हुआ घटना, कब निकली? 5 तारीख के रात में 10 बजे करीब में हम सोए थे, सो के सुबह में उठे हैं तो निकल गई थी, तो सुबह में खोजे हैं हम। अभी 7 दिन हो गया, आज 7 दिन के बाद तक अभी तक पता नहीं चला उसका, गुमसुम है। ससुराल में फ़ोन कर रहे हैं, ससुराल में जा रहे हैं तो वो लोग यही बता रहे हैं हमको कि 2-3 दिन शांत मार के बैठे रहो, आएगी हो कहीं से। क्या क्या लग रहा है आपको, पहले किसी पे डाउट है या किसी से कभी बात करती थी या कोई ऐसा मामला पहले देखने को मिला? सर, ऐसा कोई मामला हमको देखने को नहीं मिला, कोई हमको डाउट भी नहीं उस पर। हमारी बीबी जैसे भी अच्छी है, लेकिन हमको टेंशन इसी बात का है कि वो केवल हम लोगों में, दोनों लोग में, मेरी बीबी में केवल एक ही प्रॉब्लम हुआ है, अंगूठी को लेकर विवाद बड़ा है जी। नहीं हम उसको कुछ कहे, नहीं वो हमको कुछ कही है। और क्या ससुराल आप फोन किए तो ससुराल का क्या रिएक्ट रहा और क्या ससुराल वालों ने क्या कहा? सर, ससुराल वाले यही कह रहे हैं कि 2-4 दिन और पटा जाओ। आपके ससुराल वाले कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल सर? ससुराल में फोन किए हम तो ससुराल वाले यही बोल रहे हैं हमको कि ठीक है 2-3 दिन शांति सब्र रखो। हमको यही शक लग रहा है कि लोग छिपाए हुए हैं, हमको दबोचना चाहते हैं। वो लोग गए, आज भी गए हैं, आज 12 तारीख है, आज गए हैं ससुराल में, लेकिन वो लोग उल्टा सीधा हमको बात सुना रहे हैं कि हमारी बेटी को किधर से मिला। कौन सुना रहे? हमारी सास। आपकी सास? हाँ, हमारी सास। क्या है आपके सासू माँ का नाम और आपके ससुर जी का? जी सर, बताना चाहेंगे कि हमारे ससुर जी का नाम झीनक है जी। और आपकी सर कहाँ है आपका ससुराल? दुर्गापुर। दुर्गापुर, गोरखपुर में ही पड़ता है जी सर। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन आप थाने पे या और कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं कि नहीं? थाने पे गए थे, गुलानिया थाने पे गए थे हम, तो वहाँ पर जाने के बाद हमको ये समझ में आया कि चलिए 2 दिन और हम लेट कर लेके तब थाने पे दरखास्त डालेंगे, लेकिन हम खोजते रह गए लेकिन हमारी बीवी मिल नहीं रही है। अभी तक कोई मतलब सुराग नहीं मिला है, कहाँ गई है, कहाँ नहीं? कुछ भी सुराग नहीं मिला है, हम 4 बच्चे को लेकर परेशान हैं जी। बच्चे का क्या नाम है आपके? जी सर, बड़ी लड़की कांशिका, छोटी लड़की का सपना दिव्या और राज। यानी 3 लड़कियां हैं और एक चार लड़का। हाँ, एक लड़का, एक लड़का। जी, कितनी उम्र होगी लगभग चारों का? सर, बड़ी लड़की हमारी 11 साल की है और उससे जो छोटी है उसका उम्र करीबन 9 साल पड़ेगा, उसी हिसाब से 7 साल भर की छोटी है बस। आपकी शादी कब हुई थी, किस सन? सर, 15 में हो गया। सन 15 में शादी हुई थी। कितना दिन हो गया? साल होगा 7 साल। यानी आपके शादी को? जैसे शादी हमारा सर हुआ था तो शादी हमारा 6 में हुआ था, गौना हमारा 7 साल के बाद आया था। सेकंड मैरिज भी हुआ जी था, जी, हाँ, और सेकंड मैरिज 7 साल के बाद हमारा गौना आया था जी सर। और क्या लग रहा है आपको, कहीं से कोई ऐसा कि कभी पहले हुआ था कुछ? कोई गुंजाइश नहीं सर। अंगूठी को लेकर के क्या विवाद हुआ? सर, अंगूठी को लेकर यही विवाद हुआ है कि 5 तारीख को हम आए हैं गोरखपुर से, चिकन लेकर आए थे, हमारी बीवी बनाई, खाना हमको दी, खा रहे थे, तो यही अपने बीवी से बोले हैं कि थोड़ा हमको अंगूठी दे देना, कल रिजारिंग जाना हमको, तो बोली हम मायके में अपने भाई को दे दीजिए। तो इसी बात को लेकर मैं यही बोल दिया उसको कि तब हमारा अंगूठी तुम दे दी हो उसको, तो यानी कि मैं बाहर से पैसा भेजता था, 15,000-20,000 जो भी भेजता था, तुम वो भी ले जा पहुँचाती थी उधर, बस यही सर, यही बात है हमारा। कहीं ना कहीं जैसे आप ससुराल फोन करके बोल रहे हैं कि ससुराल से आश्वासन मिल रहा है कि सब्र करिए 2-3-4 दिन वो आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इससे आपको क्या प्रतीक होता है कि ससुराल वाले का हाथ है? जी सर, हमको तो यही लगता है कि वो लोग जिस हिसाब से बोल रहे हैं ये तो गुंजाइश है कि मतलब वो लोग ये जो सोच रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं है हमारी बच्ची, लेकिन हमको टेंशन होता जा रहा है कि कल को कुछ हो जाए उसको, हमारी बीवी को, तो हमारे 4 बच्चे और हम कहाँ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।